मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर यादव है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एप्स में काम करता हूँ। मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, नी और हिप जॉइंट का मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर घुटना दर्द कर रहा है, स्पेशली चलने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, सबसे पहले तो हमें अपना वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट रिडक्शन। इस पे कोई भी डॉक्टरों की डिबेट नहीं होती, सारे डॉक्टर एग्री करते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ों पे डिबेट होती है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घुटने की एक मसल होती है, क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं हम लोग, उसको स्ट्रांग बनाइए। जैसे कि यंग एज में होती है, प्लेयर्स में होती है, वो मसल कोई भी बड़े आराम से उतना स्ट्रांग बना सकता है अगर नियमित एक्सरसाइज करे। 5 मिनट, 3 से लेके 5 मिनट सुबह अपने घुटने की इस मसल को दे दो आप, 3 से लेके 5 मिनट शाम को दे दो। तीसरा जो है, नीचे अगर पालती मारने में, उकड़ू बैठने में और बहुत सारे पॉस्चर्स होते हैं, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम होने लगे तो उसको अवॉइड कीजिए। और आप अपनी न्यूट्रिटिव डाइट लीजिए, मॉडरेट वॉकिंग कीजिए। मॉडरेट वॉक हमेशा घुटने को अच्छा रखती है। आप सोचो कि मैं चलूंगी नहीं तो घुटना ठीक रहेगा, ये गलत फहमी है। क्योंकि ये देखा गया है, अगर हम अपना हॉस्पिटल का रजिस्टर उठा के देखें, उसमें मेजोरिटी पेशेंट जिनके हमने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं वो फीमेल हैं। और वो फीमेल में भी अगर फर्दर क्लासिफाई करो, वो ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने ज़िंदगी सबसे ज़्यादा आराम से जी है, घर में रही हैं, जिन्होंने नौकरी नहीं करती है। नौकरी करने वाली फीमेल तो फिर भी बाहर जाती है, ऑटो पकड़ेगी, टैक्सी पकड़ेगी, मेट्रो पकड़ेगी, और जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है। तो इससे प्रूव होता है कि मॉडरेट एक्टिविटी, चलना फिरना, ये सब घुटने को हेल्दी रखता है।